नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उन मोस्ट 4 ट्रेंडिंग वुड्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली मैन्युफैक्चरर अपने फर्नीचर या कोई भी वुडन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, मोस्टली जो भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं इन वुड्स के साथ अपने वर्क को पूरा कर लेते हैं, अपने मोस्टली आइटम बना लेते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग वुड यूज़ की जाती हैं। तो अपनी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स में या अपने घर के लिए अगर कोई फर्नीचर बनाने जा रहे हैं या कुछ वुडन प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हैं तो हमको कहाँ पर कौन सी लकड़ी यूज़ करनी चाहिए और कौन सी किस जगह के लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वक्त अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पाइन वुड है। ये ज़्यादातर उन जगहों पे यूज़ की जाती है जो जगह विजिबल नहीं होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फुली अपोस्टर्ड सोफ़ा बना रहे हैं तो अंदर का जो स्ट्रक्चर बनता है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चर इसी लकड़ी का यूज़ करके अंदर का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सोफ़ा या चेयर हो गई उनके लिए। इस लकड़ी की खासियत क्या है कि ये लकड़ी लाइट वेट होती है, इसकी डेंसिटी बाकी बहुत सी लकड़ियों से कम होती है, जिसकी वजह से इसमें आसानी से काम किया जा सकता है और जो भी वुड वर्कर्स होते हैं वो इस पे काम करना कन्वीनियंट समझते हैं। अगर आप अपने घर का फर्नीचर बनवाने जा रहे हैं तो जैसे कि सोफ़ा हो गया, चेयर हो गई या हेडबोर्ड हो गया, उन जगहों पे जहाँ पे उसको अपोस्टर्ड करना है वहाँ पे आप इस लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स भी इस लकड़ी में बनाए जाते हैं तो आप उनके लिए भी इस लकड़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्विंग का वर्क इस लकड़ी में करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज कार्विंग के वर्क के लिए ये लकड़ी नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए आप इस लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं और उन जगहों पे ये लकड़ी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगी। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अकेशिया वुड है, इसको बबूल भी बोला जाता है हिंदी में। इस लकड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बहुत डेंसिटी होती है। ये नॉर्मली काफ़ी हैवी लकड़ी मानी जाती है बिकॉज ऑफ डेंसिटी, इसमें काफ़ी डेंसिटी होती है। ये इतनी हार्ड वुड है कि इसको ईजिली अगर कोई नेल्स कोई कील इसमें ठोकना चाहे तो बहुत मुश्किल से इस पर काम किया जा सकता है, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से कील अगर बिना होल किए डायरेक्टली ठोकी जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जब भी कोई इसमें काम करता है तो पहले उसमें वो होल करता है, होल करने के बाद उसमें जो नेल्स होती हैं कील्स होती हैं उसको प्रेस किया जाता है ताकि वो ईज़िली उस पर काम किया जा सके। ये लकड़ी मोस्टली टेबल टॉप्स के लिए यूज़ की जाती है। जो भी कोई सिंगल पार्टीशंस हैं या कोई प्लेन सरफेस अगर बनाना है, कोई कैबिनेट है, उसके लिए आप इस लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी आपने साइड टेबल देखी होंगी, सेंटर टेबल देखी होंगी, तो उन जगहों पे इस लकड़ी का बहुत यूज़ होता है। कुछ जगहों पे सोफ़े के जो बेस होते हैं, जो लेग्स होते हैं, उन पे भी इस लकड़ी को यूज़ किया जाता है। अगर मशीनरीज हैं किसी फैक्ट्री में, वहाँ पे किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो वहाँ पे इसको काटना और इस पे काम करना ईजी है। अदरवाइज़ अगर आप कोई हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं उस केस में कुछ डिज़ाइन हैं, कुछ कर्व हैं, कुछ होल्स वगैरह करने हैं और मैनुअल करने वाले हैं तो That would be very difficult for you to work on this wood. तो उन कामों के लिए मैं आपको इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, अगर कोई आप प्लेन सरफेस, कोई टेबल टॉप, साइड टेबल टॉप या कुछ लेग्स वगैरह प्लेन लेग बनाने जा रहे हैं देन मैं आपको इस वुड को सजेस्ट करूँगा। ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी और वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये लकड़ी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको मैंगो वुड बोला जाता है। आपने देखा होगा ऑनलाइन इस वक्त इस लकड़ी का बहुत यूज़ हो रहा है। इस वक्त ऑनलाइन में बहुत से आइटम्स ऐसे हैं जिनमें मैंगो वुड का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि सेंटर टेबल हो गई, साइड टेबल हो गई, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर्स, ऐसे बहुत से आइटम्स हैं जिसमें मैंगो वुड का यूज़ किया जाता है। जोधपुर जो राजस्थान में है वहाँ पर इस वुड के बनाए हुए बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के। ऑनलाइन आप देखेंगे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मैंगो वुड का यूज़ हुआ है। ये वुड बाकी लकड़ियों से सस्ती है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि इसमें बहुत से केसेस में ये लकड़ी बैंड हो जाती है और कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे क्रैक्स भी विजिबल होने शुरू हो जाते हैं इस लकड़ी में। स्ट्रेंथ कम है ऑब्वियसली, बिकॉज बाकी लकड़ियों से चीपर है, लेकिन अगर एक हल्का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और केयरली उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इस लकड़ी को आप हैंडमेड प्लेन आइटम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ कट या डिज़ाइंस ना हो, उन चीज़ों के लिए ये लकड़ी ठीक नहीं है। अगर आप प्लेन सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये लकड़ी उन जगहों पे काफ़ी अच्छा वर्क कर सकती है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टीक वुड है। टीक वुड बेसिकली डिफरेंट नेम के साथ मार्केट में अवेलेबल है। बर्मा टीक, आइवरी टीक, कुछ इस टाइप की आपको इसकी वेराइटीज़ मिलेंगी। ये टीक
लकड़ी बाकी लकड़ियों से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज ये एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मानी जाती है, तो इसका रेट ऑब्वियसली ज़्यादा है। ये लकड़ी बाकी लकड़ियों से डिफरेंट है। इस लकड़ी को उन जगहों के लिए सिलेक्ट किया जाता है जो जगह विजिबल होने वाली है। फॉर एग्जांपल, जो चेयर के लेग्स हैं वो टीक वुड में बनाए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये स्ट्रेंथ में भी बहुत अच्छी होती है और ये फिनिशिंग में भी बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ पर विजिबल एरियाज हैं उस जगहों पे टीक वुड को सजेस्ट किया जाता है। आप इससे कार्विंग के भी डिज़ाइंस बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह के फ्लावर्स हो, किसी भी तरह के डिफरेंट डिज़ाइंस हो, आप इस लकड़ी में बना सकते हैं। ये उन चीज़ों के लिए, उन डिज़ाइंस के लिए रिकमेंड की जाती है। तो अगर आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं या आपको कुछ नेचुरल ग्रेन्स के इफ़ेक्ट चाहिए, आप कुछ क्लियर पॉलिश करने वाले हैं, या कोई ऐसे डिज़ाइनर आइटम्स बना रहे हैं जिसमें आपको नेचुरल इफेक्ट चाहिए, या फिर कोई भी डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स, ये उन सभी कामों में एक अच्छा रिज़ल्ट देगी आपको और वो रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा।